लाख मनी पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा काले धन वालों को छोड़ूंगा नहीं, आजादी से अब तक का लेंगे हिसाब, 30 दिसंबर के बाद नई स्कीम ना आने की गारंटी नहीं। मुश्किलों के बावजूद सहयोग के लिए पीएम मोदी ने जनता का किया नमन, कहा कार्रवाई के डर से गंगा में पैसे बहा रहे लोग, दो साल में की गई कोशिश से वापस आए 1.25 लाख करोड़ रुपए। सीक्रेसी की वजह से पहले से नहीं बदली एटीएम मशीन, वित्त मंत्री जेटली ने दिया भरोसा, दो हफ्ते में ठीक होंगी एटीएम मशीनें, गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चौदह नवंबर तक सभी हाईवे पर नहीं होगी टोल वसूली, यूटिलिटी बिल पेमेंट के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट का होगा इस्तेमाल। इनकम टैक्स विभाग ने बैंकों को दिए निर्देश, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन की दे जानकारी, पहले 10 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन की मांगी थी जानकारी। बढ़ता जा रहा है टाटा मिस्त्री विवाद, टाटा सन्स ने टाटा मोटर्स के बाद टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स को ईजीएम बुलाने का दिया नोटिस, मिस्त्री और नुस्ली वाडिया को हटाने का नोटिस। जापान यात्रा के बाद भारत रवाना हुए पीएम मोदी, जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ बुलेट ट्रेन में किया सफर, पीएम बोले भारत को है बुलेट ट्रेन का इंतजार। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता को हॉस्पिटल से जल्द मिल सकती है छुट्टी, अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन प्रताप रेड्डी ने कहा जयललिता का इन्फेक्शन हुआ ठीक, अपनी सहूलियत के हिसाब से घर जा सकती हैं सीएम। जम्मू कश्मीर के केरन में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, सरहद पार से मशीन गन और मोर्टार से हमला, एक जवान शहीद दो घायल। पर्यावरण बचाने के लिए आगे आए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, गाजियाबाद में बच्चों को पर्यावरण बचाने की दिलाई शपथ।